बिना परेशानी अधिकारी बनने का सपना पूरा करें, डाउनलोड ऐप नाउ। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो एग्जाम की तैयारी करते होंगे आप, रेलवे की करते होंगे, एसएससी की करते होंगे, बैंकिंग की करते होंगे, अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना, पीसीएस यूपीएससी सबकी। आपको पता है अभी का सबसे बड़ा डर क्या है? अभी का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, अभी का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि इतने सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। डर सिर्फ ये होता है एग्जाम की तैयारी के दौरान, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर भी, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया, कहीं पेपर लीक तो नहीं हो गया, यही डर रहता है ना। और पेपर लीक इस कदर इस पिछले कुछ समय से हो रहा है कि एग्जामिनेशन पे लोगों का, स्टूडेंट का बिलीव हटता जा रहा है। उनको डर रहता है कि मेहनत भी करेंगे पेपर लीक हो जाएगा, तो मेहनत करने में भी मन नहीं लगता, और जब कर रहे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस लेवल का कि हम इतना स्कोर करेंगे तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि पेपर लीक होने का मतलब है कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है। पेपर लीक होने के कई तरीके हैं, लाइक पेपर ही आउट कर देना, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह एग्जामिनेशन हॉल में आंसर बताना, फर्जी स्टूडेंट को बैठाना, और ऐसे कई गिरोह सक्रिय है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे कई स्टेट हैं जहां कई सारे एग्जाम को पेपर लीक होने के नाम पे कैंसिल किया गया। तो आपके मन में ये होगा पेपर लीक हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो जब बहुत बड़े, देखो कोई भी सरकार ये बदनामी कभी नहीं लेना चाहती कि उसके स्टेट का पेपर लीक होता है, उसके एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि उस पेपर खबर आए कि उसका पेपर लीक हुआ। तब सोचिए उसके बाद अगर एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है, इसका मतलब किस बड़े पैमाने पे ये काम हुआ, और बड़े पैमाने पे जब बहुत हंगामा होता है तब वो पेपर लीक, वो कैंसिल होता है एग्जाम, अदरवाइज छोटे पैमाने पे तो ये धड़ल्ले से चल रहा है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, यानी एक संगठित गिरोह के द्वारा इस तरह के काम को किया जाता है। इनके पास पूरे एक पर एक एक्सपर्ट स्टूडेंट होते हैं और तकनीक होती है और पहुंच होती है उस तरह की, जिसके कारण ये पेपर को लीक करते हैं या मुन्ना भाई की तरह आंसर लिखवाते हैं या स्कॉलर को बैठवाते हैं, यानी फर्जी स्टूडेंट को बैठा के एग्जाम निकलवाते हैं, उसके लिए पैसे लिए जाते हैं। और ये अभी जब से एग्जामिनेशन ऑनलाइन हुआ है तब से ये चीजें बढ़ती गई है, डायरेक्टली लाइटली हमने भी बहुत कुछ सुना है इसको लेकर। तो वो एग्जाम जो जहां पे जो कैंसिल नहीं भी हो रहा है, उन एग्जामों में भी ये खबरें आती रहती है कि फर्जी स्टूडेंट बहुत बैठ रहे हैं, खासकर ऑनलाइन एग्जाम में। सरकार को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो ये जब गलत हो रहा है तो इसको लेकर सरकार एक बिल लेके आती है जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024। समुचित परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम बिल 2024, इसको 5 या 6 फरवरी 2024 को लाया जाएगा। अब सवाल इसके अंदर क्या क्या, देखिए 5 या 6 को इसको पेश किया जाएगा, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई। पता कब चला? तो जब अभी बैठक हुआ पहला, यानी पहला सेशन, ज्वाइंट सेशन हमारे राष्ट्रपति ने किया है 2024 के बजट सेशन का उद्घाटन ज्वाइंट सेशन से हुआ, तो उसी में ये इस बात की जिक्र की गई कि ये वाला बिल भी आएगा, क्योंकि लगातार एग्जामिनेशन में अनियमितताएं हो रही है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही है इसको रोकने के लिए। अब पेपर लीक से संबंधित कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, कोई इस तरह की माफिया है या उसमें जो भी शामिल लोग हैं, उनके लिए ये कानून लाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट को परेशान करने के लिए नहीं लाया जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आया कहीं ऐसा तो ना उस बहाने हम ही फंस जाए, तो स्टूडेंट को परेशान नहीं करना है, इस सेक्टर के अंदर जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके लिए लाया गया। सवाल है सजा क्या है? सजा मैक्सिमम 10 लाख तक, और दूसरा जो फाइन है वो भी मैक्सिमम 1 करोड़ तक है। वैसे सजा और फाइन को लेकर अभी जब बिल आएगा तो एग्जैक्ट क्लियर होगा क्या है, बट ये एक चारों तरफ मीडिया में यही चल रहा है कि सजा लगभग 10 लाख का है, 10 साल का सजा है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। अभी लगातार अलग अलग तरह के स्टेट में जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम में इस तरह की चीजें दिखी गई, उसको कैंसिल किया गया, तो इसके बिल के अंदर एक और प्रोविजन किया गया है कि हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी को भी फॉर्म किया जाएगा। ये जो हाई लेवल नेशनल टेक्निकल कमेटी है ये क्या करेगी? ये ऑनलाइन एग्जाम में किसी तरह की धांधली ना हो और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पे ये टेक्निकल टीम काम करेगी, इसके सुझाव को आगे इंप्लीमेंट किया जाएगा।
तो ये बिल अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपका पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार का एक बड़ा एफर्ट है। तो उम्मीद करते हैं इस बिल आने के बाद कुछ तो काम होगा, कुछ तो चीजें रुकेंगी। वैसे सिर्फ कानून बनने से चीजें नहीं रुकती है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन एक हद तक लगाम लग सकता है, ऐसी संभावना तो है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।